नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ यूपी लाइव 100 न्यूज में। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। भाईचारे व एकता की मिसाल है होली। प्रमोद, सांगीपुर में आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। बैंड बाजी व पटाखे तथा फूल मालाओं से आम जनमानस ने किया ऐतिहासिक स्वागत। सांगीपुर प्रतापगढ़ विकास खंड सांगीपुर के गांधी इंटर कॉलेज में हर्ष व उल्लास के वातावरण में ऐतिहासिक होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। जनप्रिय नेता पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी की लोकप्रियता का आलम यह है कि अपने नेता के इंतजार में क्षेत्र की हजारों जनता पलक पावड़े बिछाकर एक झलक पाने के लिए जहां लालायित थी, वहीं ऐतिहासिक स्वागत बैंड बाजों गाजी बाजी के साथ अपने जननायक विकास पुरुष प्रमोद तिवारी को फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं होली समारोह में मुख्य अतिथि प्रमोद तिवारी ने क्षेत्र की हजारों जनता का कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि होली आपसी नफरत व कटुता को दूर कर अमन चैन व भाईचारे का पैगाम देती है। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा साल में 6,000 रुपए की इमदाद पर बोले, यह किसानों के साथ छलावा के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं फसलों को जानवरों ने जिस तरह से अपना निवाला बना लिया है, आने वाले चुनाव में जनता जरूर जवाब देगी। वहीं जीएसटी के बारे में प्रमोद तिवारी ने कहा कि इसने जहां व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी है, वहीं छोटे मोटे उद्योग धंधे पूरी तरह ठप हो गए हैं। तो वहीं बेरोजगारी पर उन्होंने कहा, जितनी अब है वह पिछले 45 सालों में पूरे देश में नहीं थी। अंत में नेताजी ने कहा कि रामपुर खास के आन मान सम्मान व स्वाभिमान के लिए राजकुमारी रत्ना सिंह को आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजे। आभार सुधाकर पांड्य प्रधानाचार्य ने व्यक्त किया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी ज्ञान प्रकाश शुक्ल, प्रतिनिधि राम मिलन तिवारी, भगवती प्रसाद तिवारी, पवन शुक्ल, व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख लाल अशोक सिंह, बबलू नवीन सिंह, गुड्डू सिंह, महेंद्र सिंह, दृगपाल यादव, लाल सुनील सिंह, दिनेश मिश्र, अवधेश सिंह, मनीष सिंह, संजय बघेल, ललन सिंह, केसरी नंदन शुक्ल सहित हजारों मौजूद रहे। रिपोर्ट डॉक्टर आर पांडे, प्रतापगढ़। कार्यक्रम का अंतिम दिन था, उसके बाद एयरपोर्ट आके हम संग्राम पर चले आए। मोराजी सिंह को लखनऊ जाना था और लखनऊ चले गए, लेकिन उसी समय मेरे मन में आया इस परिवार को क्या बीत रही होगी। 40 नहीं है, आप लोगों को गलत संख्या है, अब बढ़ के वो संख्या 50 हो गई। तो कुछ जो घायल थे उस समय बाद में उन्होंने तब तोड़ दिया, फिर उनसे मुठभेड़ करते हुए 7 लोग मारे गए, 57 हुए। और सीमा पर पिछले 4.5 साल में 488 भारत के सैनिक शहीद हुए, 488, और टोटल कारगिल युद्ध में 250 लोग मरे, यानी युद्ध में 250 और शांति काल में 488। तो मैं यही कह सकता हूं कि फिर उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ेगी। और मेरा निर्णय था, मैंने नहीं कहा कि सब लोग उसको माने, इसलिए मैंने अपनी रखा, लेकिन मैंने कहा सारा कार्यक्रम होगा, सारा जनसंपर्क होगा और मैं सब जगह जाऊंगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सबका, पूरे क्षेत्र का, कि किसी ने अभी मेरी तरफ पढ़ाया नहीं। खैर, होली की शुभकामनाएं सबको। ये होली का रिहर्सल, होली का मिलन समारोह मैं अभी नहीं मना रहा हूं। होली का मिलन समारोह मई के महीने में जब रत्ना जी जीत के आएंगी तब, उसके पहले संघर्ष काल। तो ये एक परंपरा हो गई, लेकिन इसी प्रांगण में एक बार सही होली उस दिन मनेगी जब रत्ना जी को हम लोग सांसद बना रहे। दो बातें ध्यान रखिएगा, जैसे मेरा चुनाव लड़ते हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। देश भर की सारी खबर, हर खबर उतरी ही सच्चाई की कसौटी पर, खबर हो राजनीति की या बॉलीवुड की।
खेल की या क्राइम की हर पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए यूपी लाइव 100 न्यूज 24/7 खबर आप तक।